कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल बताइए। देखिए बताइए एग्जाम्पल बताइए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए तो इसकी तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव, एक फोर्स है जो इंडिपेंडेंट है पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेटिव। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटिव ग्रेडियंट के बराबर। कंजर्वेटिव फोर्स एफ पोटेंशियल एनर्जी के निगेटिव ग्रेडियंट के बराबर। ये यू है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आप देखिए कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की, तो देखिए जरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पी से क्यू तक पार्ट कर रहा है। इनिशियल पोजिशन वेक्टर आर नॉट है, ठीक है, पी से क्यू तक पार्टिकल का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी थी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी दी थी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दी थी, यहाँ पर क्यू यू क्यू यहाँ पर, ठीक है। जनरल पार्टिकल फोर्स एफ पी से क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन
माइंड का फोर्स के थ्रू बढ़ रहे हैं। डब्ल्यू बराबर पी टू की वही वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, टोटल निकालना है भाई। एक छोट इसमें यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट का ही तो डी डब्ल्यू बराबर टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर दिया डी डब्ल्यू का किया डब्ल्यू ने किया और लिमिट फिर से वर्क डन ही कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल वर्क डन इज आल्सो कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होता है। वर्क डन बाय द फोर्स is conserved or stored or stored in the form of potency. Work done conserved ho raha hai potential mein. Work done is also conserved in the form of potential. तो यू बराबर यू बराबर क्या है, वर्कडन किया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, कंजर्व हो रहा है इंटरनल, इसलिए माइनस। अब माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू है पी टू की पी टू क्यू एम वर्क, इसे भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस साइड आगे इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दीजिए तो डी यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी यू को फंक्शन मान लीजिए आप, पोटेंशियल एनर्जी यू आर का फंक्शन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है तो पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन, आर का फंक्शन है तो ऑब्वियसली एक्स वाई एक्स यू फंक्शन है एक्स वाई के। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे एफ फंक्शन एक्स वाई जेड का, एक फार्मूला है तो लग कर एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एफ जो है वो फंक्शन है एक्स वाई के, तो डी एफ बराबर डी वाई एफ याद कर लीजिए एफ फंक्शन एक्स वाई जेड का, तो डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डेवर एफ अपॉन डेवर जेड, वही हमने यहाँ पर लिया। इसमें डी यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स जीवन में
डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई, डेवर यू अपॉन डेवर जेड इंटू डी जेड। इसे अपनी तरफ से ब्रेक कर आई जे के एम लिखा के ऐसे कर डी यू बराबर I dot I से डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, जे डॉट जे से आई, तो ये अपनी तरफ से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपने ली बाहर एक्स आई वाई जे, तो ये डेल यू बराबर डी आर, तो डी यू बराबर डेल यू डॉट डेल ऑपरेटर इंटू यू और डेल यू डॉट, ये वैल्यू आप using equation 6, using equation 2 equation, कल सुबह 7 बजे से क्लास है, पढ़ाएंगे पहले तुम लोगों को, क्या करें टेस्ट लें आधे घंटे पहले, ठीक है, देख लेंगे, हम न्यूमेरिकल भी कराने हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से कराएंगे, मैं तुम लोग तैयारी करके तो क्या दिया है तुम लोग से देखो जल्दी से बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स अगर डेल ऑपरेटर से स्केलर का मल्टीप्लाई करो तो ग्रेडियंट में आता है। अभी पार्ट ए में पढ़ोगे, पार्ट है ना मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें डेल ऑपरेटर का पूरा ऑपरेशन है, तो डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करो तो ग्रेडियंट बनता है, ना डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, अगर किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो तो डाइवर्जेंस बनता है, अगर किसी वेक्टर से क्रॉस कर दो तो कर अभी, पर अभी फिलहाल ये देखिए, अब पार्टिकल पी से क्यू तक जा रहा है, पी का पोजीशन वेक्टर आर नॉट, क्यू का है आर, तो वर्क डन बाय द फोर्स P to Q F dot D, ये work done by the force is conserved in the form of potential। जो work done होता है वो conserved हो जाता है potential energy। तो U बराबर minus, पर work done हो रहा है external force के लिए, conserved हो रहा है internal, इसलिए negative है, कोई हमने negative नहीं किया। P to Q F dot D, अब P to Q D U, P to Q F dot D, अब आपने दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दिया,
तो आपका यू बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी यू, फंक्शन किसका आर का, आर का मतलब एक्स वाई पोटेंशियल एनर्जी यू फंक्शन है आर का मतलब एक्स वाई एक्स वाई जेड का। तो ये फार्मूला परमानेंट याद कर लो, बहुत यूज होना है ठीक है, कुछ जगह यहाँ पे यूज होना है अभी मैथमेटिकल यूज होना है। क्या है डीएफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डेवर एफ अपॉन वही लगाइए यू बराबर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर यू अपॉन डेवर वाई डेवर यू अपॉन डेवर जेड डॉट में डी एक्स इंटू वाई है डी वाई इंटू जे है डी जेड इंटू ठीक है डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई के डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे है डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू जे है इंटू यू अपनी तरफ से कर रहे हैं हर डॉट डी ऑफ एक्स आई वाई जे जेड। अब देखो आई का आई के साथ वन यही आ जाएगा, जे के साथ जे वन यही आ जाएगा, के साथ के वन यही आ जाएगा, तो वो सेम आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर आपने डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे डेवर अपॉन डेवर इंटू के कैप यू और डी बाहर एक्स आई वाई जे जे इसे क्या कहते हैं आर, इसे क्या कहते हैं डेल, तो डेल यू डॉट डी आर डेल यू डॉट डी आर। अब डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर डेल डी यू की वैल्यू लिख दिया डेल यू डॉट डी आर कट गया। देखिए एफ बराबर माइनस डी एल का आ गया, जब देखिए एफ बराबर एस माइनस This is the required relation. This is the कल में बहुत यूज होता है, कल हम एक आदमी मेडिकल इस पर लगाएंगे कंजर्वेटिव। देखिए फोर्स की वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए बराबर y into j cap fz into k cap ये f की वैल्यू है। डेल ऑपरेटर की वैल्यू याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, डेवर अपॉन डेवर x इंटू y डेवर अपॉन डेवर y ठीक है। f बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ एक्स इंटू
डेवल यू अपॉन डेवल आई का कोफिशिएंट इक्वेट करो जे का और के का आई जे के का कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of I cap, J cap, अब देखिए I का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे एफ एक्स आएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई आएगा माइनस डी वैल्यू ये बच्चों या ये कह सकते हो एफ एक्स बराबर माइनस डी एफ वाई बराबर माइनस डी एफ जेड बराबर एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया एफ वाई बना और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये एफ एक्स एफ वाई. अब आइए बच्चों एक चीज और अलग से बता दें फिर आगे चलूँगा. डेल ऑपरेटर से जैसा ऑपरेट करते हो वैसे ही नेम बनता है ये तो आपको बता ही दिया याद कर लीजिए. प्रॉपर्टी यहाँ तक हो गई ये न्यूमेरिकल के लिए एक्स्ट्रा बताया है पोटेंशियल एनर्जी दी भी है और पूछ रहा है एक्स के अलाउंड फोर्स क्या लगेगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए ठीक है. वह पोटेंशियल एनर्जी दी भी है वाई एक्सिस के पोटेंशियल एनर्जी दी गई है जेड एक्सिस. देखिए डेल ऑपरेटर की वैल्यू अभी बताई डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई क्या डिवर अपॉन डिवर वाई अपॉन डिवर ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू हो गया. अब इस डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का अगर आप डॉट करें तो उसे डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके हम क्या कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर. डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर का क्रॉस करो मान लो एफ का ही कर दिया एफ भी तो वेक्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे कर्ल कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ फोर्स. कोई भी वेक्टर ही होगा और किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई. मंडे से तुम लोगों का मैथ के तुरंत बाद क्लास है ठीक है. तो मैथ जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो 9:15 के बीच में आते हैं ठीक है. और जो लोग मतलब मैथ पढ़ते हैं वो मैथ पढ़ते तुरंत बाद सुबह का क्लास देखो. दूसरी प्रॉपर्टी जल्दी से सेकंड प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो होता है. तो डेल क्रॉस एफ बराबर
ये भी SD कॉलेज में फिजिकल लिए है, क्या नाम है, रियांशु, ठीक है, और ये क्या नाम ऋषभ, ये पूरी फिजिकल जो फिजिक्स मैथ ये सब भी है। बगल में शुभम है, ये तुम्हारे कॉलेज में है, मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हूँ। अब डेल क्रॉस F बराबर जी, प्रूफ देखिए, कर्ल कर दोगे तो एक न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, फोर्स दिया हुआ है, उसका डेल क्रॉस करो, अगर जीरो आ जाए तो कर दो, जीरो ना आए तो ना कर दो, ये ठीक है। तो देखिए एफ की वैल्यू है माइनस डेल ग्रेडियंट ऑफ डेल ऑपरेटर के साथ, एफ की वैल्यू माइनस, ये देखिए ठीक है, एफ बराबर माइनस डी वैल्यू अपॉन हम इसका कर्ल करेंगे, लेकिन हम दोनों साइड्स में कर डेल क्रॉस डेल क्रॉस की वैल्यू लिखो, तो डेल क्रॉस एफ डीवर अपॉन डीवर एक्स डीवर अपॉन डीवर वाई क्यू, क्रॉस में डेवर क्यू अपॉन डेवर एक्स ऐसे। अब आप डिटरमिनेंट बनाइए, डिटरमिनेंट बना के देखिए, एक्सपेंड करिए क्या आता है, डेल क्रॉस एफ माइनस बना देंगे आई जे आई जे डीवर अपॉन डीवर एक्स डीवर 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 अपॉन डीवर एक्स डीवर अपॉन डीवर वाई डीवर अपॉन डीवर यू अपॉन डीवर एक्स डीवर यू अपॉन डीवर एक्स डीवर यू अपॉन डीवर डीवर यू अपॉन डीवर एक्स डीवर यू अपॉन डीवर वाई डीवर यू अपॉन। अब आई का कोफिशिएंट जे का और डेल क्रॉस आई का डेल क्रॉस
ठीक है, सेम आया, फिर माइनस जी क्या इसका डिवाइड स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर जी के डिवाइड स्क्वायर डिवाइड एक्स डिवाइड स्क्वायर देखिए जीरो आ गया, तो डेल क्रॉस कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स निकालिए, कर्ल जो है कंजर्वेटिव फोर्स का तो कर्ल ऑफ रिवर्स इसको कर देते ठीक है, ये आपका आ गया। तो डेल क्रॉस आया समझ लो, डेल क्रॉस एफ की पहले आपकी वैल्यू देखिए इसका कर्ल कर डेल क्रॉस कर तो कर लो आपने अब डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के डिवर अपॉन डिवर एक्स डिवर अपॉन डिवर वाई डिवर अपॉन डिवर यू अपॉन डिवर एक्स डिवर यू अपॉन दूसरा टर्म है ना डिवर यू अपॉन डिवर एक्स डिवर यू अपॉन डिवर वाई डिवर डिवर आई के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जे के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया अब आइए बच्चों टोटल एनर्जी जो होती है कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत हमेशा कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। ये पूरा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट, मतलब E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहेगी K प्लस U रिमेंस कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी E बराबर K प्लस U बिल्कुल फिगर इस लेसन में फिक्स अपने दिमाग में कर लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑब्जर्वर को पी से पार्टिकल जा रहा है, पी का पोजीशन वेक्टर आर नॉट ठीक है, फोर्स एफ लग रहा है, डी आर आपने इस पर एलिमेंट डी आर आपने एलिमेंट, तो आप देखिए वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक पी पर काइनेटिक एनर्जी के पी क्यू पर काइनेटिक एनर्जी के, तो जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर तो डब्ल्यू बराबर पी टू क्यू एफ डॉट बी आर
किसके बराबर है? के क्यू माइनस की वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो वर्क डन होता है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में भी कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो भी वर्क डन के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी यू बराबर माइनस यू बराबर माइनस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि किया जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के वर्क और कंजर्व हो रहा है इंटरनल, तो हमेशा निगेटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी में जो वर्क किया गया तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज आपको सामने दिख रहा है, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है इसलिए। तो ये आपने यू बराबर माइनस डब्ल्यू है पी टू क्यू एम डॉट। अब इस du को, इस u को भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा है, और पोटेंशियल एनर्जी p2q एज डॉट। अब ये आप p पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो up, q पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो, तो ये आपका हो गया है UP माइनस, अभी माइनस बताया नहीं, तो ये आ गया यू यूपी माइनस में अब रखोगे यू की यू के माइनस यू माइनस में माइनस इधर दे दो तो यूपी माइनस भाई माइनस है ना, तुम्हें यूपी यूपी माइनस इसको आप ऐसे लिख दो, अरेंज कर दो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, कंपेयर कर लो किसको फर्स्ट ऑफ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन दोनों के LHS सेम है, LHS सेम, RHS भी सेम, तो UP KQ माइनस की UP माइनस KQ प्लस KP प्लस टोटल एनर्जी है Q, टोटल एनर्जी है, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी यहाँ पर EP बराबर KP प्लस, यहाँ पर टोटल एनर्जी EQ बराबर KQ प्लस टोटल एनर्जी एट क्यू टोटल एनर्जी एट, तो ये आ गया टोटल एनर्जी एट क्यू, ये हो गया या ये कह सकते हो ई बराबर बराबर हो गया टू, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ऑनलाइन ये भी डाल देंगे। एक बार बता दें, हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो पार्टिकल जब पी से क्यू तक गया
तो जो टोटल एनर्जी पी पड़ती वही टोटल एनर्जी क्यू। भाई वो तो मालूम है ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, ठीक है। एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो अब यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट अंडर द कंजर्वेशन, तो टोटल एनर्जी ई बराबर के प्लस ई बराबर कांस्टेंट। अब पी पर काइनेटिक एनर्जी के पी, क्यू पर काइनेटिक एनर्जी के क्यू, पी पर पोटेंशियल एनर्जी यू पी, क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी यू यू पी, टोटल एनर्जी ई पी, यहाँ टोटल एनर्जी ई। हमको ये प्रूव करना है के पी प्लस यू पी बराबर के क्यू प्लस यू। देखिए आ गया कैसे आएगा, पहले वर्क डन इज इक्वल टू गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क एनर्जी, जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो W बराबर पी टू क्यू एफ डॉट डी आर के क्यू माइनस के, ठीक है, ये कर दिया बस। ये वाला मेन है, U बराबर क्या होता है माइनस W, W की वैल्यू लिखी पी टू क्यू एफ डॉट डी आर, यहाँ पर U का मान पी टू क्यू डी यू लिख दिया। अब जब आप रखोगे डी यू पर, P पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो यू पी है, यहाँ पर यू क्यू डी यू पी टू यू क्यू डी, यहाँ पी टू क्यू एफ डॉट डी आर, ये करोगे यू आएगा यू पी टू यू पी पी टू क्यू एफ डॉट डी आर करो यू क्यू माइनस यू पी, ये हुआ। अब आपका माइनस इधर कर दिया तो यू पी माइनस, एक तरफ एक साइड कर दिया तो ये देखो एल एच एस एल एच सेम आर एच एस भी सेम, ठीक है, बराबर कर। अब ये वाले को कर लिया, ये वाले हो गया कि Q प्लस के पी प्लस टोटल एनर्जी है Q, E बराबर K प्लस U बराबर कॉस, ठीक है। कल सुबह 10-15-20 मिनट लिखवा लेंगे, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे।